रिजर्व बैंक आरबीआई ने ग्राहकों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया है। आरबीआई ने कहा है कि अब बैंक अपने ग्राहकों की केवाईसी नो योर कस्टमर वीडियो के जरिए भी करवा सकेंगे। इस संदर्भ में आरबीआई ने मास्टर केवाईसी गाइडलाइंस में संशोधन किया है। इनको होगा फायदा, इससे ग्राहकों को फायदा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अब केवाईसी की प्रक्रिया मोबाइल वीडियो से बातचीत के आधार पर भी हो सकेगी। बता दें कि जिन बैंकों को आरबीआई रेगुलेट करता है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों एनबीएफसी, वॉलेट सर्विस प्रोवाइडर्स और अन्य वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के लिए यह बड़ी राहत की बात है। ग्राहकों का घटेगा खर्च। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार इसके अतिरिक्त आरबीआई ने आधार और अन्य ही दस्तावेजों के जरिए ई केवाईसी और डिजिटल केवाईसी की सुविधा भी दी है। केंद्रीय बैंक के इस कदम से दूरदराज के इलाकों में रहने वाले ग्राहकों को आसानी होगी और उनका खर्चा भी घटेगा। आरबीआई ने जारी किया नोटिफिकेशन। आरबीआई नोटिफिकेशन के अनुसार केंद्रीय बैंक ने वीडियो आधारित कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वीसीआईपी को ग्राहक अनुमति आधारित वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेश किया है ताकि कस्टमर्स की पहचान करना आसान हो सके। बता दें कि यह व्यवस्था चुनिंदा देशों में ही है। अब भारत भी इन चुनिंदा बाजारों में शामिल हो गया है। ये होगी प्रक्रिया। मोबाइल वीडियो के जरिए दूरदराज के इलाकों में मौजूद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अधिकारी पैन या आधार कार्ड और कुछ सवालों के जरिए ग्राहक की पहचान करेंगे। प्रक्रिया के तहत एजेंट को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वह देश में ही उपस्थित है। इसके लिए कस्टमर की जियोलोकेशन को कैप्चर किया जाएगा। हालांकि वीडियो कॉल संबंधित बैंक के डोमेन से ही किया जाना चाहिए। गूगल ड्यूओ या व्हाट्सएप के जरिए यह प्रक्रिया नहीं होगी। बैंकों को वीडियो केवाईसी प्रक्रिया शुरू करने से पहले अपनी एप्लीकेशंस और वेबसाइटों को लिंक करना होगा।